दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस कुकिंग क्लास में। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपने पैनासोनिक के माइक्रोवेव में तड़का मैगी, जो कि काफी इजी रेसिपी है। और आई एम श्योर अगर आप गैस पे बनाते हो तो माइक्रोवेव में कैसे बनाते हैं इसको, चलिए आज आपको वो सिखाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके प्लीज सब्सक्राइब करें। तो पैनासोनिक के माइक्रोवेव में तड़का मैगी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है बटर। ये मैंने थोड़ा सा बटर इसमें डाल दिया। अब मैं इसको 30 सेकंड के लिए पैनासोनिक के माइक्रोवेव में रख दूंगा ताकि जो ये पिघल जाए अच्छी तरीके से। तो टाइम जैसे कि कंप्लीट होने वाला है, 30 सेकंड जो हमने माइक्रोवेव को दिया था अपने पैनासोनिक के माइक्रोवेव को। और ये देख सकते हैं आप जो हमारा बटर है वो अच्छी तरह से पिघल गया है। अब उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है ग्रीन चिली जो यहाँ पे मैंने काट के रखी हुई थी, और साथ में प्याज। तो ये दोनों में हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं अपने पैनासोनिक के माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए इनको अच्छी तरीके से कुक कर लूँगा। तो चैम्बर के अंदर हमने रख दिया है, 1 मिनट का हम टाइम दे देंगे। 1 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ये देख सकते हैं आप। उसके बाद जो मटर मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, आप वेजिटेबल कुछ भी अपने मनपसंद से डाल सकते हैं, वो इसमें जो भी आपको वेजिटेबल अच्छी लगती है वो इसमें डाल सकते हैं आप। और अभी इसको मैं मिक्स करके इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर दूंगा कि ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने नमक इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है, देख सकते हैं आप। और तड़का मैगी इसी तरीके से आप पैनासोनिक के माइक्रोवेव में बना सकते हैं, क्योंकि कई बार हम इससे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है अगर माइक्रोवेव में आप बनाते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने मिक्स करके रख दिया, और फिर से मैंने 1 मिनट का टाइम दे दिया था। 1 मिनट जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो यहाँ पे जो 4 पैकेट मैंने मैगी लिया हुआ है तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके बाद जो मैगी मसाला इसके साथ था वो भी मैं इसमें धीरे धीरे करके ऐड करूँगा पैकेट के अकॉर्डिंग। तो जो 4 मैगी मसाला के पैकेट मैं इसमें ऐड कर दूंगा इस तरीके से। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें मिक्स मसाले भी ऐड करूंगा, उससे क्या होगा जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आएगा इससे, और ये खाने में काफ़ी टेस्टी भी होगा। इसी तरीके से आप अपने पैनासोनिक के माइक्रोवेव में तड़का मैगी बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स कि कैसे हम अपने पैनासोनिक के माइक्रोवेव में तड़का मैगी बना सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी डिशेज हैं जो हम अपने पैनासोनिक के माइक्रोवेव में बना सकते हैं, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने मिक्स मसाले भी ऐड कर दिए हैं इसमें, जैसे आप देख रहे हैं। थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और मैगी मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद मैं इसको मिक्स कर दिए। अब हमने इसमें पानी डाल देना है, और ये देख सकते हैं आप, मैं मिक्स कर दूंगा इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगा। तो पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, उसके बाद मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है, ये देख सकते हैं आप, कि ताकि जो हमारे मसाले हैं सब्जियां हैं वो प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको प्रॉपर मिक्स कर देना है, ये देख सकते हैं आप। इसमें मैंने प्याज मटर और ग्रीन चिली ये ऐड, और पानी अब ऐड करके अब मैं अपने पैनासोनिक के माइक्रोवेव में इसको हाई पावर पे 5 मिनट का हमने टाइम देना। तो 5 मिनट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे ये देख सकते हैं हमारी जो रेसिपी है तड़का मैगी वो बनके तैयार है। इसी तरीके से आप अपने पैनासोनिक के माइक्रोवेव में तड़का मैगी बना सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और कितना प्रॉपर तड़का मैगी जो गैस के मुकाबले काफ़ी अच्छे और स्वाद बन जाती है, इसी तरीके से आप बना सकते हैं अपने पैनासोनिक के माइक्रोवेव में। इसी के साथ उम्मीद करता हूं आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।